हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल किटी गुड फूड। आज हम बनाएंगे रोटी से चटपटा नाश्ता। इसे बनाना बहुत ही इजी होता है और ये खाने में बहुत ही चटपटा और टेस्टी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, थोड़ा सा टमाटो केचप, थोड़ा सा हरी चटनी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ये झूड़ी भाजा। और ये चाट मसाला है, इसे डालने से टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये कुछ सब्जियां हैं जिसमें कटी हुई प्याज बारीक, कटे हुए टमाटर, कटी हुई धनिया पत्ता, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नींबू का टुकड़ा है आधा। यहाँ फ्राई करने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ मैं बेसन में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डालकर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, पेस्ट को हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हमें गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। आप देख सकते हैं ये पेस्ट तैयार रहा। और अब हम सब्जियों का फिलिंग तैयार करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने प्याज लिया है बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ टमाटर, हरा मिर्च, आप इसकी जगह लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं इसमें पिसा हुआ, धनिया पत्ता, धनिया पत्ता डालने से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, आप थोड़ा ज़्यादा करके पत्ता डालें। थोड़ा सा नमक डालेंगे हम इसमें, क्योंकि बेसन में मैंने पहले ही नमक डाला था, तो आप थोड़ा ही नमक डालें। और नींबू को हम अच्छी तरह निचोड़ देंगे इसमें, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। चाट मसाला आप ज़रूर डालें इसमें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसे हम एक चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम एक रोटी लेंगे, रोटी को 4 भागों में बांट देंगे। आप देख सकते हो मैंने बराबर भागों में रोटी को काटा है। रोटी के टुकड़ों में हम बेसन लगा देंगे, आप एक एक टुकड़ों पे अच्छी तरह इसे फैलाकर बेसन लगाएं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह लग चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह गर्म होने पर हम रोटी के एक एक टुकड़े को इसमें डालेंगे। आप एक एक टुकड़े को अच्छी तरह डालते रहें। ये एक तरफ फ्राई हो चुका है, अब हम इसे दूसरी तरफ भी फ्राई करेंगे। इसे क्रिस्पी होने तक ही हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं रोटी के पीसेस अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। अब हम यह दूसरी प्लेट पे इसे गार्निशिंग करेंगे, जिसमें मैंने चटनी रखा है। चटनी को अच्छी तरह लगा लिया 4 भागों में। आपके पास चटनी नहीं है तो आप सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे।
इसे अच्छी तरह स्पून से फैला फैला कर लगाएं। चारों भागों में हम अच्छी तरह लगा लेंगे। अब हम इसमें फिलिंग रखेंगे एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके आप चारों भागों में अच्छी तरह रख दें। एक एक टुकड़ों में आप फिलिंग रखें। गार्निशिंग के लिए यहाँ मैंने झुगड़ी भाजा का यूज़ किया है, इसे डालने से टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। आप देख सकते हो ये जितना दिखने में अच्छा है उतना ही खाने में टेस्टी होता है। तो अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।